ताकि ये आप देख रहे हैं, ये मेरा शॉकर और ये जो डिस्क ब्रेक पे ये जो पीतल का लगा हुआ ये टूट गया था, अगले वाले ये लीक हो गए थे। छोटे सीसी की जो बाइक होती है वो जो है आपको जो है वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। वेलकम बैक। अबे मेरे सामने तो लाओ। वेलकम बैक टू एसएमआर राइडर। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ अपने लॉन्ग टर्न रिव्यू करने। जैसे कि मैं लद्दाख ले गया था अपनी बाइक की, वहाँ क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानी आई, वो सब आज हम आपको बताएंगे। और मैंने बाइक की जब आने के बाद सर्विस कराई थी तो उसमें भी जो प्रॉब्लम निकली थी वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा अगर आप लंबी राइड पर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से किसी ने जो है, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा मेरी लद्दाख सीरीज़। तो मैं जब फर्स्ट डे पे निकला था तो पहले ही दिन मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। जो बाइक ख़राब हुई थी वो मेरी फॉल्ट थी, वो उसमें बाइक ख़राबी कुछ नहीं कह सकते। हुआ क्या था एक्चुअली, इधर आना भाई दिखाना ज़रा। हुआ ये था कि ये आप देख रहे हैं, ये मेरा शॉकर और ये जो डिस्क ब्रेक पे ये जो पीतल का लगा हुआ ये टूट गया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, आप जाके पूरी देखिएगा। और नीचे आपकी स्क्रीन पे जो है वीडियो चल रही है, देखिए कि कैसे ये टूटा हुआ था। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। दूसरा क्या हुआ था, दूसरी चीज़ ये मेरा, जब मैं चांगला या तांगला पास में चल रहा था कि जो प्लग है ये शॉर्ट हो गया था। तो मुझे इसका पता नहीं चला था, जब मैं बाद में मैकेनिक के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि इसका प्लग ख़राब है। तो ये दो दिक्कत आई थी। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तीसरी चीज़ क्या हुई थी, मेरे ये दोनों जो हैं शाकर अगले, ये दोनों शाकर जो हैं अगले वाले ये लीक हो गए थे। मैंने इन शाकर को भी बनवाया था, शाकर लीक हुए थे। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं यानी कि ऊंची जगह पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी होती है। तो छोटे सीसी की जो बाइक होती है वो जो है आपको जो है वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, यानी कि काफ़ी हैवी सीसी की बाइक होना चाहिए और कम से कम जो है 250-300 प्लस बाइक हो तब तो अच्छी चलती है। ये मेरी 180 थी तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी भी कम सीसी की भी दिक्कत आ रही थी। जैसे कि मैं ऊपर की हाई अल्टीट्यूड पे चढ़ा रहा था, जहाँ जहाँ पासेस पड़ रहे थे तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, चढ़ नहीं रही थी, मात्र 5 या 10 की स्पीड बन पा रही थी, इससे ऊपर नहीं हो रही थी। तो ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप लोग जो हैं लंबे टूर पे जा रहे हैं तो बाइक को प्रॉपर पूरी तरीके से सेट कराएं और देखें कि मेरे बाइक में क्या क्या कमी। हालांकि जब मैं लद्दाख के लिए जा रहा था तो उससे पहले मैंने पूरी सर्विस कराई थी, उसके बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी थी। तो अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो ज़रूर पूरी बाइक पर ध्यान रखिए अपनी। चाहे ज़रूरी नहीं कि आप अपाचे लेके जा रहे हैं, कोई भी 150 cc, 180 cc या 200 के अंदर कोई भी बाइक है तो आप उसको पूरा ख्याल रखिए, पूरी प्रॉपर सर्विस कराइए और जितनी भी चीज़ें हैं पुरानी उनको आप चेंज करा दीजिए। जिस तरीके से मैंने अपने दोनों टायर चेंज कराए थे, अगला भी टायर चेंज कराया था नया है, और पिछला भी जो है टायर मैंने चेंज कराया था, देखिए ये भी नया टायर लगा हुआ है। तो इसलिए मेरी गाड़ी क्या है, कहीं भी पंचर नहीं हुई, ये मुझे फ़ायदा हुआ। काफ़ी जगह रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर आप मेरी पूरी लद्दाख सीरीज़ देखेंगे तो देखना कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे करके मैंने बाइक चलाई थी, कितनी ख़राब रोडें मुझे मिली थी, तो बहुत ज़्यादा मैंने दिक्कतें उठाई थी। तो ध्यान रखिएगा, आप कभी भी जा रहे हो लंबे सफ़र पे तो बाइक को प्रॉपर पूरी तरीके से ठीक रखें, वरना आपके साथ परेशानियां हो सकती हैं। लद्दाख ऐसी जगह पे आपको दूर दूर तक कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए चलिए, गुड बाय।